हाय एवरीवन, आई एम हीना फ्रॉम दियूबरी और आज हम आए हैं रामजस कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो वी आर हियर टुडे टू नो द फर्स्ट ईयर्स एक्सपीरियंस इन रामजस कॉलेज. सो लेट्स गो. सो ये हैं राय केदारनाथ जी. ही इज द फाउंडर ऑफ रामजस कॉलेज, हु फाउंडेड द कॉलेज इन 1917. तो आप देख सकते हैं कि रामजस कॉलेज कितना पुराना है. Hey, hi guys, please introduce yourself with your name and course. Hi, I'm Anshika and I'm doing BSc Life Sciences. I'm Anushka and I'm pursuing BA History Honours. I'm Rishika and I'm pursuing History Honours. Hello, my name is Sanvi Bhagat and I'm from Life Sciences. I am Aradhya and I'm from BCom program. Hello everyone, I'm Rohan from Ramnes College itself and my course is BCom program. My name is Sahitya and I'm from Electronics Honours. Okay, so now I would want you to tell our audience about your CUET scores and what is your category. My score was 397 out of 600 and my category was general. Okay, wait, I have a question that in case you have scored 396, how did you get Ramjas College? Because in science stream your score is comparatively less but your percentile is higher. Okay, that's interesting. And my score was 700 and my category was SC. My score was 710 from 800 and my category is OBC. So my CUET score was 415 out of 600 and my category was OBC. My CUET score was 704 out of 800 and my category general. Okay, so please tell your CUET score and your category. So like main sabse pehla batch tha CUET ka and my score was 702 and my category was SC. Okay. So I am from journal category and my score was 732. So what do you think CUET score aapka satisfied ho aap apne score se and what was the difficulty level of the exam? So the exam was bit easy, it wasn't difficult that much. What do you think ki sabse difficult section kaun sa tha CUET mein? According to me, like my commerce background se ho, to mere according mujhe maths laga tha obviously cause maths thodi kinda. एंड उसके पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊँ सबसे ईजी तो मुझे जी टी लगा था जो मेरे जर्नल टेस्ट था. सो वट डू यू थिंक कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प लेते तो क्या आप बेटर स्कोर कर सकते थे अपने सी यू ई टी में? हाँ, ज़रूर कर सकते थे. ओके, तो एज मैंने पहले बताया मैं पहले बैच से था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कुछ कैसे क्या होगा, बट अगर मुझे पता होता कि कैसे क्या करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो श्योरली कुछ बेटर हो सकता था. बट तो आई थिंक सी यू टी के लिए इट्स ऑल प्रीवियस ईयर एंड एन सी आर टीज, तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते वो भी बहुत इनफ है सी यू टी में, क्योंकि इतने सारी शिफ्ट्स हुई थी तो देर आर लॉट ऑफ पी वाई क्यूज. वैसे सी यू टी इतना हार्ड होता नहीं है इन माई व्यू, तो येस यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम पी वाई क्यूज इट सेल्फ. ओके, सो एज यू गाइस सो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना ज़्यादा ज़रूरी है होना, बिकॉज अनटिल अनलेस आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है, पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, यू वोंट बी एबल टू अपीयर इन अ प्रिपेयर्ड मैनर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, राइट? ओके, सो नाउ गाइज आई वुड वॉन्ट यू टू टेल कि आप लोगों की कॉलेज प्रेफरेंस क्या थी एंड अभी जो आप लोगों को कॉलेज मिला है दैट इज़ रामजस, सो आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? रामजस वॉज माई सेवेंथ प्रेफरेंस एंड आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद इट. ओके, दैट्स नाइस. रामजस विद हिस्ट्री वॉज माई सिक्स्थ प्रेफरेंस but I did not upgrade it and I am extremely happy with my choice. Ramjas was my I guess ninth preference and I am quite happy with it. कॉलेज से तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता, पर हाँ अच्छा कॉलेज है. सो इट मीन्स गाइज रामजस से सभी खुश हैं एट द एंड. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अभी तक आपका रामजस में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अमेजिंग. द कॉलेज इज वेरी लाइवली, सो देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग इन सम लोकल कॉर्नर एंड यू ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. That's interesting. Ramjas is very happening. We visited other colleges and nothing, you know, we cannot compare any college to Ramjas. It is very lively and it is very happening. Exactly, like Ramjas mein kuch na kuch hota rehta hai, wo Ramjas ko bahut zyada exciting banata hai.
एंड हमने दूसरे कॉलेज भी गए तो हम उतना एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग लगा नहीं कुछ. कौन से कॉलेजेस गए थे जो आपको एक्साइटिंग इतने नहीं लगे जितना रामजस? It was very boring. We've been to Hindu also. Yeah. It okay. was not lively. No, and like Ram just. Stephens देखा ही है. उधर तो बच्चे भी नहीं दिखते. Okay, okay. It's definitely sports complex और ये वाला ground मुझे. Okay, ये like यहीं पे mostly first semester की memories हैं. हम यहीं पे खेला करते थे. So it was fun. Sports complex. So my best part was. कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ हम फेस्ट एंजॉय करते थे तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे फेस्ट होते हैं. ओके सो आई वुड लाइक यू टू नो कि अभी तक कौन से फेस्ट हुए हैं रामजस कॉलेज में और उसका कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक पर्टिकुलरली कौन कौन से फेस्ट हुए और कब हुए? सो द बेस्ट पार्ट वाज इनेक्टस, सो जो कि आई थिंक 10th फेब को था. सो दैट वाज द बेस्ट आई थिंक. आपका प्रोफेसर्स के साथ कैसा रिलेशन रहा है अभी तक? तो मेरा तो अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. टीचर्स बहुत हेल्पफुल है. देर इज़ मेंटर मेंटी, उसमें भी मैं बहुत बार गई हूँ और अच्छा है. एवरीथिंग इज़ लाइक रियली गुड, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है अभी तक. इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, मतलब हर प्रोफेसर पे डिपेंड करता है. द फैकल्टी इज़ नाइस. आई पर्सनली बिकॉज आई स्टडी बॉटनी ऑरिजिन एंड केमिस्ट्री, आई कैन टेल दैट द बॉटनी केमिस्ट्री इज़ अमेजिंग. And the English department, I would say, the professors, they are quite good. I think the faculty is good, पर college में अगर आपको अपना वो वाला side enhance करना है पढ़ाई वाला, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. चाहे आप किसी भी कॉलेज जाएँ, faculty आपको एक हद तक guide कर सकती है, पर उसके आगे आपको खुद ही जाना है. I have no opinion on that. Why so? Are okay, I would say. Is it कि ऐसा कुछ professors के साथ formal relation है बस? नहीं, I just don't want to. She does not want to. The professors are good. Yeah. You can talk to them. They are very much approachable. They are very friendly and all. मैंने सुना है कि रामजस की बिल्डिंग नॉर्थ कैंपस में सबसे बड़ी है. तो आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या ओपिनियन है? How would you rate the infrastructure of our college? तो क्योंकि रामजस की बिल्डिंग बहुत ओल्ड है, आई थिंक द ओल्ड बिल्डिंग उसका एक अपना ही एस्थेटिक ये है. बट ओल्ड बिल्डिंग आई थिंक थोड़ी सी उसमें मज़ा नहीं आता मुझे थोड़ा सा. बट आई थिंक इट्स ऑल गुड. फोर्थ फ्लोर से तो बेस्ट नज़ारा दिखता है, मुझे फोर्थ फ्लोर बहुत पसंद है. सो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, लाइक मैं बाकी कॉलेज में गया हूँ एंड रामजस का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है एज विच हम सबको ही पता है. बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ यहाँ पे बाथरूम इतने वो नहीं है. यहाँ पे कैंटीन का खाना बहुत ही मिड है, मिड भी नहीं कि आप खा लो एक टाइम पे अगर वो ना. एंड यहाँ पे थोड़े और वो चाहिए, थोड़े वो वॉशरूम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. यहाँ पे वाटर टैंक की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड यहाँ पे सो सबसे वो कैंटीन अच्छा होना चाहिए. तो वो ही है. ओके सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है. सो आई हैव हर्ड कि मतलब रामजस में बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे फेमस पॉइंट्स हैं. सो वुड यू लाइक टू मेंशन एनी ऑफ देम? या वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग इन वन ऑफ द फेमस पॉइंट्स, दिस इज द डीएस लेन. ओके एंड अदर पार्ट वुड बी द सुट्टा लेन. द सुट्टा लेन, या दैट्स द सुट्टा लेन. दोस आर वन ऑफ फ्यू ऑफ आवर फेमस पॉइंट्स. ओके एंड या वी एग्री ऑन द पार्ट ऑफ डीएस लेन. वी लव द डीएस लेन. वी लव द डीएस लेन. इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग. बहुत मेजॉरिटी में लोगों को नहीं पता यहाँ पे दो पॉन्ड्स भी है. एंड इज इट? हाँ, और यहाँ पे मुझे खुद सेकेंड ईयर में पता लग रहा है कि यहाँ पे दो पॉन्ड्स हैं एंड वो साइंस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं. आर यू गाइज पार्ट ऑफ एनी सोसाइटीज़? बिकॉज हमने सुना है कि यार सोसाइटीज़ का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, यू नीड टू एनहेंस योर सॉफ्ट स्किल्स एंड वो सब स्टफ. सो वट डू यू थिंक? या आई एम अ पार्ट ऑफ वर्ड क्राफ्ट, विच इज द लिटरेरी सोसाइटी एंड ऑल्सो NSS. कूल. So how is your experience there? Oh, it's amazing. You get to socialize a lot, you learn a lot of new skills, you meet new people. You know, there are always some lecturers coming from other colleges. So it's an amazing experience if you're a part of any society. Okay guys, so do give it a notice if you're missing society. So you're missing a lot in college, I think. I'm a part of NSS and TRMUN. Although I'm not an active part of TRMUN. But I think aapke liye society join karna aur apne soft skills ko develop karna bahut important hai. Agar aap aate hain college, to aap society join kare. Jitna craze shuru shuru mein hota, utna nahi rehta, but it's important.
I am a part of Milanj. It's a finance society of Ramjas, and I guess it's not mandatory कि आपको कोई society join ही करनी है, कि आप college आए तो आपको कोई society join करनी है. If you are interested कोई curricular activities में, और उसमें आप societies में जाके अपनी abilities और creative side enhance कर सकते हो. पर ऐसा नहीं, अगर आप society कोई join नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा part miss कर रहे हो college का. Okay, also I've heard कि like जैसे there are some students who are interested in being the part of dance societies, ऐसा कुछ stuff, but the problem they face is that the time commitment issues. So what do you think, ऐसा कुछ है? एक friend थी, उसने उसका selection हो गया था, फिर because कि उनका I guess time सुबह से लेके वो शाम तक practice ही करते हैं, तो हम फिर class कब करेंगे? She left the RDS. सेमेस्टर में एग्जाम्स कैसे थे, आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, क्या डिफिकल्टी लेवल थी? क्योंकि आई वुड लाइक टू मेंशन द फैक्ट, क्योंकि मैंने सुना है कि दौलत राम कॉलेज में, विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू SRCC, वहाँ पे ऑडिटोरियम में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे कॉलेज में है? नहीं, हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम की अच्छी फैसिलिटी है, और 10 ईयर्स यूज़ कर सकते हैं आप एग्ज़ाम्स के लिए. सो लाइक मैंने एज़ यूजुअल जो हमारा वो था, वो बोर्ड्स टाइप सा, वो ऑनलाइन हो चुके थे, एंड क्योंकि तब कोविड आ गया था, तो क्या बोलते हैं, दो टर्म्स में एग्ज़ाम हुए हैं, पहले सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव, तो लिखने की आदत तो थी नहीं इतनी, एंड फिर CUET हुआ जो था ऑनलाइन, देन उसमें भी लिखने की आदत बिल्कुल ही, बट देन फिर कॉलेज आया, देन पता लगा यहाँ पेजेस भरने हैं तो लाइक उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई शुरुआत में, बिकॉज लिखना भूल चुका था मैं, अगर मैं वो लिटरली बोलूँ तो लिखना भूल गया था, बट या उसे वो टाइम के साथ कोप अप किया, एंड या दैट्स नाइस. सो एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल ईजी थे, मैंने सारे एक रात में ही पढ़ के दिए, और हाँ सॉरी टू कट इन बिटवीन, बट ये बात सुन सकते हैं आप सभी कि आफ्टर कमिंग इन टू कॉलेज और DU, जैसे कि सुना जाता है कि इतनी पढ़ाई नहीं है, सो एज ही मैंशन द फैक्ट कि एक रात पहले पढ़ के ही गए बोल दी एग्ज़ाम्स. ऑब्वियसली एक साल एक रात पहले 10 ईयर पढ़ते हैं अपने आप 8 CGPA. ओके, सो यहाँ पे भी पास्ट ईयर्स शिवदास के भरोसे दुनिया कायम है. रामजस इज़ फेमस फॉर पॉलिटिक्स, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ देखा है आपने? Yes, DU election season के time पे Ramjas was at its peak, and even this is not something you should tell, but Hansraj में I think Ramjas students allowed नहीं थे because of the politics. So it's a very politically Hindu में आसपास के college, because it's a very politically active crowd, but it's not unsafe. I wouldn't say it's unsafe. It's fine. We were new here and we didn't feel unsafe. और हमें यहाँ पे road नहीं दिखती थी. There were pamphlets all over, and इलेक्शंस शुरू होते हैं क्लास के CR से लेके डिपार्टमेंट के इलेक्शंस, और उसके बाद कॉलेज के इलेक्शंस, और फिर DUSU के इलेक्शंस. ओके, तो व्हेन यू गो यू सी EVMs फॉर द फर्स्ट टाइम. हम पहले नए आए थे और हमने कभी नहीं किया था इलेक्शंस, ये सब वोट नहीं किया था, पर हमने देखा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कॉलेज में. वेरी एक्टिव. वी आल्सो गॉट चॉकलेट्स एंड फ्री फूड ड्यूरिंग इलेक्शंस. देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्राइबरी. दैट्स द बेस्ट पार्ट एक्चुअली. या so for me the best part of Ramjas was the politics. There are very good leaders here, and politics to yahan next level hoti hai, aur baki padhai ho na ho. Okay, so I've heard jaise students expect from in first year ki unke paas seniors ho jo unko guide kar sake, so what do you think, did you guys find seniors ki wo aap logo ko approach kar rahe hain, they are asking and they are guiding you? सो या ये बहुत ही अंडररेटेड मैं कहूँगा रामजस के बारे में. लाइक यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है, एंड क्राउड बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीनियर्स बहुत अच्छे मुझे मिले, और मैं कहूँ मैं लकी हूँ, बिकॉज मैं जिस सोसाइटी में गया था वहाँ पे सब बहुत एक्सेप्टिंग थे, एंड सब बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एंड मुझे उनके साथ कोप अप करने में बहुत ईजी हुआ था. ओके, सो फ्रॉम माई एंड ऑल्सो सीनियर्स वेयर सपोर्टिव, एंड लाइक आई वॉज गुड एट द प्लेस ऑल्सो. Okay, so that's interesting. Thank you so much guys for your time and effort. Thank you. Thank you.